हेलो दोस्तों, मैं नीरव आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल नीरव फूड मशीन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गार्लिक पिलिंग मशीन, यानी कि लहसुन छिलने की मशीन। तो पहले हम देखते हैं मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं। तो मशीन को चलाने के लिए 5 HP का कंप्रेसर लगता है। तो पहले हम यहाँ से कंप्रेसर ऑन करेंगे। कंप्रेसर स्टार्ट करने के बाद जब तक कंप्रेसर का टैंक फुल हो जाए तब तक हम पिलिंग मशीन में लहसुन का स्टॉक कर देंगे। यहाँ होपर में आपको लहसुन भर देना है। होपर भर के हम मशीन को हीटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम पहले ये मशीन का मेन MCB ऑन करेंगे, उसके बाद हीटर का स्विच ऑन करेंगे। हीटर ऑन होने के बाद ये मीटर में हम 10 सेकंड सेट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 10 सेकंड तक हीटर ऑन रहेगा, उसके बाद हीटर ऑफ हो जाएगा। 20 सेकंड के बाद वापस हीटर ऑन होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ऐसा कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। ये हो जाने के बाद हम पीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम कंप्रेसर का वाल्व पहले ओपन करेंगे। तब ये मीटर में प्रेशर 9 के ऊपर रहना चाहिए। अगर 9 से कम होगा तो चलेगा नहीं। और उसके बाद हम ये मशीन में ये स्विच ऑन कर देंगे। अब पीलिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। पीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मशीन का काम ऑटोमेटिक ही रहेगा, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत रहती नहीं है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि छिला हुआ लहसुन आगे की ओर से निकल रहा है और लहसुन का जो छिलका है वो दूसरी बाजू से बाहर निकल जा रहा है। मतलब आपको लहसुन का छिला हुआ लहसुन और छिलका अलग अलग करना नहीं पड़ता है, वो अलग ही हो जाता है मशीन में। दोस्तों, मशीन में अगर आप जितना लहसुन सूखा डालोगे उतनी हीटिंग आपको कम करनी होगी और मशीन में रिजल्ट भी आपको उतना बढ़िया मिलेगा। और यह मशीन आपको 1 घंटे में 15 kg लहसुन छील के दे सकता है। अगर इससे बड़ी कैपेसिटी वाली या इससे छोटी कैपेसिटी वाली मशीन आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास है। तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है और वीडियो के ऊपर भी आपको नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप।
आखिर में दोस्तों मशीन बंद करने के लिए आपको ये तीनों स्विच बंद करने हैं तो मशीन बंद हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% से ऊपर लहसुन छिला हुआ है और 0% डैमेज है।